मध्य प्रदेश के गुना में नई सरकार का आज बुधवार 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो गया। बीजेपी के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ग्रहण की, वहीं राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने शपथ ग्रहण करवाई है। इसके पहले मोहन यादव अपने घर से निकलकर मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मोहन यादव ने कहा कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से ही सीएम बनने का सौभाग्य मिला है। राज्य में पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार और विकास करेगी। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।